अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में लेजर क्या है और उसे कैसे देखते हैं। लेजर की यह वीडियो दो पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हम आपको लेजर के बारे में सामान्य जानकारी देंगे और दूसरे पार्ट में लेजर को कॉन्फ़िगर करके बताएंगे, साथ ही बताएंगे लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं। यहाँ हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप सफल व्यवसायी या सफल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान से देखें और प्रैक्टिस भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच बताया था कि अकाउंट यानी खाता क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड यानी नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि टैली में खाता यानी अकाउंट को ही लेजर कहते हैं। अभी तक हम टैली में कंपनी बनाना, लेजर्स बनाना, स्टॉक ग्रुप्स बनाना, स्टॉक आइटम्स बनाना, वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना और अन्य कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। इन सब के दौरान ही हमने आपको बताया था कि टैली में हमें सिर्फ लेजर बनाकर वाउचर्स की सहायता से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना होते हैं। इसके बाद मैनुअल अकाउंटिंग के बाकी सभी काम जैसे लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टैली हमें खुद ही बनाकर दे देता है। यानी ये सभी काम टैली में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि टैली में हमने जिन ट्रांजैक्शंस को वाउचर्स में रिकॉर्ड किया है उनकी ऑटोमेटिक पोस्टिंग तो लेजर्स में हो गई, पर वो ट्रांजैक्शंस संबंधित लेजर में कैसे देखे जा सकते हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेजर को कैसे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने रिपोर्ट्स के अंतर्गत आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट डे बुक के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इस रिपोर्ट पर तीन तरीकों से पहुंचा जा सकता है। उसी तरह लेजर को देखने के भी दो तरीके हैं। पहला, रिपोर्ट्स हेडिंग के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं। यहां से अकाउंट्स बुक्स पर जाएं। यहां लेजर दिखाई पड़ रहा है। चलिए वापस चलते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो कि मुख्य रूप से तब काम आता है जब हम टैली में कहीं और काम कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें कोई लेजर देखना हो तो उसके लिए गो टू पर जाएं। देखिए यहाँ कॉमन रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये लेजर वाउचर्स के नाम से दिखाई दे रहा है। चलिए वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। अब पहले बताए हुए तरीके से एक बार वापस लेजर पर चलते हैं और कोई लेजर ओपन करके देख लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करेंगे। अब अकाउंट बुक्स के लिए ए प्रेस करें। अब यहाँ दिखाई पड़ रहे लेजर के लिए एल प्रेस करें। लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है। आप जिस लेजर को देखना चाहते हैं नेम ऑफ लेजर के नीचे वो नाम टाइप करें। यहाँ पर हम कैश टाइप कर रहे हैं। ये देखिए कैश हाईलाइट हो रहा है। अब एंटर प्रेस कर दें। ऐसा करते ही लेफ्ट साइड में आपने जो लेजर सिलेक्ट किया था उसका नाम दिखाई पड़ेगा और राइट साइड में उसकी तारीख या पीरियड दिखाई पड़ेगा। अब आप जिस अवधि के लिए ये लेजर देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके वो पीरियड टाइप करें। हम 1 मई से 31 जुलाई तक का पीरियड ले रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें, लेजर में पीरियड चेंज करने के लिए आप F2 या Alter के साथ F2 दोनों शॉर्टकट्स में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से समझें। नीचे की ओर आप जो ओपनिंग बैलेंस देख रहे हैं वो हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया है उसकी शुरुआत का है, जैसे यहाँ ये 1 मई का है। करंट टोटल में आप जो भी अमाउंट देख रहे हैं वो इस लेजर में सिलेक्टेड पीरियड में जो भी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हुए हैं उनका टोटल है। और क्लोजिंग बैलेंस में आप जो अमाउंट देख रहे हैं वो आपने जो पीरियड सिलेक्ट किया है उसके आखिर का होता है, जैसे यहाँ पर ये 31 जुलाई का है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, रिपोर्ट देखने के पहले हमेशा ऊपर पीरियड जरूर चेक कर लें कि हमने जो पीरियड लिया है रिपोर्ट उसी पीरियड की है या नहीं, क्योंकि कई बार हमसे पीरियड चेंज करने में गलती हो जाती है। यहाँ पर हम आपको पीरियड बदलने के कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं, पर उसके पहले 2 बातें समझना जरूरी हैं। पहली, हम शॉर्टकट की सहायता से जो भी तारीख लेंगे वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी। जैसे अभी हम 2020-21 यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी तारीख आएगी वो इसी अवधि के बीच की होगी। दूसरी बात, चूंकि हम टैली के एजुकेशनल वर्जन पर काम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सीमित तारीखों का ही उपयोग कर सकते हैं, और वो हैं 1, 2 और 31। मान लीजिए हम 2 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक का लेजर देखना चाहते हैं। F2 प्रेस करके फ्रॉम में 2 अप्रैल के लिए 2A टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 2 में 1 अक्टूबर के लिए 1O टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, ऐसा करते ही 2 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट आ गई है। अब मान लीजिए हम अप्रैल से लेकर मार्च तक सभी माह की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बगैर तारीख के सिर्फ माह टाइप करना होगा। जैसे हम फॉर्म में अप्रैल के लिए A और 2 में मार्च के लिए M टाइप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही अप्रैल से मार्च तक यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आ गई है। इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यदि हम ऐसे महीनों की रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं जिनका शुरुआती अक्षर एक जैसा है, जैसे जनवरी, जून और जुलाई, ये सभी जे से शुरू होते हैं, तो इनके लिए क्या टाइप करेंगे? तो हम आपको बता देते हैं कि जनवरी के लिए जे, जून के लिए JUN और जुलाई के लिए JU टाइप करेंगे, और इसी तरह मार्च के लिए M और मई के लिए MAY टाइप करना होगा। यदि आपकी कंपनी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और आप किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का लेजर देखना चाहते हैं तो आपको तारीख के साथ फाइनेंशियल ईयर भी टाइप करना होगा। जैसे कि हम फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का लेजर देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 टाइप कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे टाइप किए गए पीरियड की रिपोर्ट आ चुकी है। अब चूंकि इस अवधि में हमारी कंपनी थी ही नहीं इसलिए यहाँ रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। हम फिर से पीरियड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मैनुअल अकाउंटिंग के बीच हमने आपको जर्नल से अकाउंट्स में पोस्टिंग करना बताया था और पोस्टिंग के बाद अकाउंट्स किस तरह के दिखते हैं ये भी बताया था। उसी का एक नमूना हम आपको यहाँ भी बता रहे हैं। देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग में अकाउंट यानी लेजर इस तरह का दिखाई पड़ता है और टैली में लेजर इस तरह से दिखाई देता है। दोनों ही लेजर्स में उनसे संबंधित सभी लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स तिथिवार रखे गए हैं। दोनों में 2 पक्ष हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों ही लेजर्स में आप देख सकते हैं कि उनमें किस प्रकार के लेन देन हुए हैं, कुल कितना रुपया आया है, कितना गया है और अब उस अकाउंट में क्या बैलेंस है। दोनों में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है और वो है प्रेजेंटेशन का। इस वीडियो में आपने जाना कि लेजर क्या है और टैली में
लेजर कैसे देखते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको लेजर को कॉन्फ़िगर करना और लेजर में रहते हुए ट्रांजैक्शन से संबंधित क्या काम किए जा सकते हैं ये बताएंगे।